बहाल सर, चीजें ठीक नहीं है। क्या अमेरिका ईरान को काउंटर कर सकता है मिडिल ईस्ट में? बहुत निशांत, आपकी एनालिसिस बहुत ही अच्छी है। और सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो मिडिल ईस्ट में ये वॉर स्प्रेड ना कर जाए, एस्केलेट ना कर जाए, तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल सिग्नल ईरान दे रहा है ये एक्सरसाइजेस करा के कि उसकी फौजें तैयार हैं और वो अपने वेपन सिस्टम्स को भी टेस्ट कर रहा है। तो ये ना केवल पॉलिटिकल सिस्टम पॉलिटिकल मैसेज है। लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, ब्लिंकन एक विश्वास जगाने आए थे कि हम इस युद्ध को शांत करेंगे, और उनके विश्वास के पीछे जो सबसे बड़ा पिटफॉल था वो ये था कि गाजा में हमले अभी भी जारी हैं। लेकिन जो ब्लिंकन विश्वास दिलाने आए थे कि अमेरिका इस युद्ध को रोकना चाहता है, वो धमकी देके जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो आए तो ये विश्वास दिलाने के लिए थे कि जो अब से जो अटैक्स अगर होंगे तो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज पे ध्यान दिया जाएगा और टारगेटेड अटैक्स होंगे, ताकि नॉर्मल जनता जो 70% महिलाएं और बच्चे मर रहे हैं वो ना मरेंगे गाजा के अंदर, और ये वॉर कहीं ना कहीं एक फाइनल सॉल्यूशन की तरफ बढ़े। आए थे शांति बहाल करने के लिए, लेकिन उस समय ही सबसे बड़े हूती के अटैक्स हुए। ये देखिए, एक साइड वो बात कर रहे हैं इजराइल के साथ, दूसरी साइड हूती अटैक्स कर रही है और मैक्सिमम अटैक्स कर रही है ड्रोन और मिसाइल्स के साथ, तीसरा ईरान कर रहा है अपनी एक्सरसाइजेस। तो ये सब कुछ दिखाने को तैयार है कि अगर कुछ भी वॉर स्प्रेड होता है तो ईरान भी तैयार है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अमेरिका रियली में ये वॉर को अगर स्टॉप करना चाहता तो कभी भी हथियार नहीं देगा इसराइल को। और वो क्यों दे रहा है हथियार इसराइल को, क्योंकि और अगर आप देखिए जितने भी टारगेटेड अटैक्स हुए बड़े लीडर्स के ऊपर, सबके सब के साथ जो सुलेमानी के साथ नेटवर्क था या उनके साथ उनके कनेक्शन थे या लिंक थे, और उनको सुलेमानी को मारा था अमेरिकन्स ने, और जो भी फोर्सेस अमेरिकन्स के अगेंस्ट सीरिया में काम कर रही हैं उनके अगेंस्ट भी अटैक्स हो रहे हैं। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन सर, आप मेरे साथ बने रहिए। लेकिन मेरे मन में आज एक सवाल आ रहा है, क्या ईरान के पास चीनी माल है? ठीक सुना आपने, क्या ईरान के पास चीनी हथियार है? ठीक सुना आपने, क्योंकि सैन्य अभ्यास के दौरान ईरान में बड़ा हादसा, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। लॉन्चिंग के बाद मिसाइल ने बदली दिशा, ये लीजिए, जाना था टोक्यो, पहुंच गए चाइना। ये देखिए जरा, मतलब ये सिर्फ एक मेटाफर है। ईरान के चाबार पोर्ट की ओर मुड़ी मिसाइल, अपने ही घर हमला कर दिया, ईरानी एयर डिफेंस ने मिसाइल को किया नष्ट। ये बड़ी खबर है, ये देखिए जरा, ईरान की जो मिसाइल थी उसको जाना था कहीं और, जाना था चीन, पहुंच गए रंगून, अगर आपको याद होगा वो गाना। ये देखिए, ईरान की मिसाइल ने अपना ही रास्ता बदल लिया। लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, मेरे बगल में ये खबर दिखाइएगा, फिर इसका वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यूएई के एक टैंकर को ईरान ने किया जब्त, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। टैंकर पर संदिग्ध सामान ले जाने का आरोप, इसराइल ले जा रहा था संदिग्ध सामान, टैंकर को इराकी पोर्ट के पास जब्त किया गया। ईरान ने अपने जल क्षेत्र में टैंकर को किया जब्त। यहीं पे राहुल, इसके विजुअल्स भी दिखाइए जरा, ये बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, यूएई के एक टैंकर को ईरान ने जब्त कर लिया। ये देखिए जरा, अब ब्रेकिंग और शॉट दोनों दिखाइए। टैंकर पर संदिग्ध सामान ले जाने का आरोप, ये देखिए, इसराइल ले जा रहा था संदिग्ध सामान, ये देखिए जरा, टैंकर को इराकी पोर्ट के पास जब्त किया गया। ईरान ने अपने जल क्षेत्र में टैंकर को जब्त कर लिया, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, मतलब हालात चिंताजनक है। ये देखिए, सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच ईरान की तैयारी, ब्रेक करिए जरा। वेपन अपग्रेड कर रहा ईरान, बड़ी खबर, ईरान ने शाहिद ड्रोन की क्षमता बढ़ाई, 300 किलोमीटर तक हमले के लिए तैयार फतेह मिसाइल। हथियार को लेकर ईरान और रूस के बीच बड़ी डील, ये बहुत बड़ी खबर है। ब्रेकिंग और शॉर्ट, मिडिल ईस्ट से जंग के बीच ईरान ने अपना वेपन अपग्रेड किया है, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सीधा ये फ्लोर ग्राफिक्स पर, और राहुल फ्लोर के साथ मैं जाऊंगा, वो खबर भी दिखाइएगा, यूएई के जो टैंकर को जब्त किया, ब्रेकिंग और शॉट्स में दिखाइएगा। ये देखिए, ईरान की जंगी तैयारी, बड़ी खबर, जंग की आशंका के बीच वेपन अपग्रेड कर रहा ईरान। ये देखिए, फतेह मिसाइल और शाहिद ड्रोन को अपग्रेड किया, नए शाहिद ड्रोन की उड़ान क्षमता बढ़ाकर 1500 किलोमीटर रेंज के बाहर करने की कोशिश है। फतेह मिसाइल ने नए वर्जन की क्षमता बढ़ाकर 700 किलोमीटर, रूस के साथ 300 किलोमीटर की उड़ान रेंज वाली ड्रोन की डील, रूस के साथ ईरान की $2 मिलियन से ज्यादा की डील, बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अब सीधे मैं आपको जो खबर दिखा रहा हूं चेंज करिए, ईरान की जंगी तैयारी के बीच आज की सबसे चिंताजनक खबर, ये देखिए, यमन की वार्निंग, टारगेट पर यूएई, ये बहुत चिंताजनक खबर है। लेकिन पहले इसराइल पर हिजबुल्ला का बड़ा हमला, ब्रेक करिए जरा,
सीमा पर सभी जासूसी यंत्र को किया नष्ट विद द वीडियो, सीमा पर इसराइल के सभी कैमरों को नष्ट कर दिया, सीमा पर इसराइल के सर्विलांस सिस्टम पर हमला। ये देखिए इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए साउथ लेबनन में गाजा जैसी तबाही, ब्रेक करिए जरा, इसराइल के हमले में तबाह साउथ लेबनन, ये देखिए जरा, ये देखिए हमले में साउथ लेबनन के कई शहर तबाह हो गए, अब तक हिजबुल्ला के 140 लड़ाके मारे गए। इस सब के बीच में आज की एक और बड़ी खबर, अब सबसे बड़ी खबर, ध्यान से देखिएगा ये खबर, मिडल ईस्ट में हमलों से डरा अमेरिका, ब्रेक करिए जरा, अमेरिकी बेस पर हिजबुल्ला कर सकता अटैक, अमेरिकी खुफिया विभाग ने दी चेतावनी, हिजबुल्ला इसराइल के साथ टकराव से चिंतित अमेरिका।